नमस्कार प्राइम न्यूज ट्वेंटी में आपका स्वागत है मैं हूँ अग्रिमा जादौन और खबर यूपी से है यूपी सरकार की नई गाइडलाइंस अब शादी समारोह में सौ लोग ही होंगे शामिल कोरोना के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए योगी सरकार ने कहा कि अब की अब मैरिज हाउस की क्षमता के आधार पर शादी समारोह में व्यक्ति को शामिल किया जाएगा वहीं शादी में बुजुर्ग बीमार व्यक्ति की एंट्री पर रोक रहेगी कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है गाइडलाइंस के मुताबिक उत्तर प्रदेश में होने वाले शादी और अन्य सामाजिक समारोह में पहले जैसा लोगों को शामिल करने का फैसला लिया है यानी किसी भी समारोह में अब केवल सौ लोग ही शामिल हो सकते हैं सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया कि अगर किसी मैरिज हाउस में एक साथ सौ लोगों की बैठने की क्षमता है तो आयोजित होने वाले किसी भी समारोह में केवल पचास लोग ही शामिल होंगे वही शादी में बुजुर्ग बीमार व्यक्ति की एंट्री पर रोक रहेगी हालांकि इस बीच सरकार ने लोगों को एक छूट दी है की अब शादी करवाने के लिए जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी लेकिन अपने इलाके के थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी पड़ेगी नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो धारा एक और एक के तहत कार्यवाही होगी उधर दिल्ली में बढ़ते संक्रमण के चलते नोएडा गाजियाबाद में होने वाले शादी समारोह में सीमित संख्या के नए नियम पहले से ही लागू कर दिए गए हैं कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्य सचिव ने महत्वपूर्ण जिले में समीक्षा बैठक की इसके बाद सख्ती से लागू करने का फैसला लिया गया बता दें कि योगी सरकार ने 15 अक्टूबर को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शादी और अन्य समारोह में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी थी इस बीच फिर से कोरोना की रफ्तार पकड़ते देख समारोह में शामिल होने वालों की संख्या को कम कर दिया गया है प्राइम न्यूज ट्वेंटी के लिए अमेठी से ब्यूरो चीफ अनिल दुबे के साथ कॉन मदार की रिपोर्ट